नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज। में शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। दशहरे के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। म्याना कस्बे में आज जुलूस भी निकाला गया। यह शस्त्र पूजन म्याना के सदर बाजार भोला के मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से घूमता हुआ म्याना चौराया हनुमान मंदिर पर पहुंचा। इस जुलूस का समापन हनुमान मंदिर पर हुआ। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। म्याना में एक हिंदू भाई द्वारा बनाया जा रहा है विशाल ताजिया, जिसे देखने के लिए आसपास के आते हैं कई लोग। एक हिंदू द्वारा बनाए गए इस ताजिए से मुस्लिम और हिंदू एकता की एक वानगी दिखाई देती है। मुस्लिम समाज के ताजियों से बेहतर बनाया जाता है ये ताजिया हिंदू भाई के द्वारा। इस ताजिए को बनाने के लिए हिंदू भाई अपना समय निकाल कर काफी दिनों से मेहनत करते हैं। साथ ही ये ताजिया सभी ताजियों से बेहतर बनाया जाता है। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रावगढ़ में शीतला माता मंदिर पर लगाया गया 56 भोग, साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारा शीतला माता मंदिर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भंडारे का भोजन प्रसादी ग्रहण किया। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। रावगढ़ के ही आईटीआई मैदान में 40 फुट के रावण का दहन किया गया। रावण को देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीण व शहरी लोगों के हजारों की संख्या में वहां पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह रहे, रावगढ़ एसडीएम अतेंद्र गुर्जर, नगर पालिका सीएमएचओ माधुरी शर्मा, तहसीलदार त्रिलोचन गोयल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक जयवर्धन सिंह ने राम लक्ष्मण सहित अन्य पात्रों का भी स्वागत किया। इसी बीच मंच के माध्यम से विधायक ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि दशहरे का दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। विजयदशमी के इस पवन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और राघव जी की नगरी के हमारे सभी भाइयों बहनों को हर्ष करता हूं।
कि दशहरे के दिन हम ये बात याद करते हैं कि हर ऐसा जो विषय आता है जो असत्य होता है वहां पर सत्य का विजय होता है। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। चंपावती नगरी में पिछले कई दिनों से जारी रामलीला में रविवार को त्रिलोक की विजेता रावण के अंत के साथ ही असत्य पर सत्य की विजय हुई। इससे पहले भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध को भी मंचित किया गया। इसके बाद नौ सिर वाले रावण का विशालकाय पुतले में आग लगाई गई। रामलीला के मंचन के साथ ही भगवान राम एवं रावण के सैनिकों के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया। दशहरा मैदान पर आयोजित रामलीला में रिमोट से संचालित आतिशबाजी का भी सहारा लिया गया, जिसमें रावण का वध संभव हो सका। रावण दहन के बाद मैदान में आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिला। रामायण हमें यह भी सीख देती है कि चाहे असत्य और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और प्रबल क्यों ना हो, पर अच्छा ही इसके सामने हमेशा जीतती ही है और अस्तित्व अच्छा ही कहीं टिकता है। दशहरा पर्व 10 प्रकार के पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा और चोरी को हराता है। दशहरे के पर्व पर इन्हीं पापों के परित्याग से स्वप्रेरणा प्रदान करता है। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। रावगढ़ के मेन चौराहे पर प्रतिवर्ष के अनुसार भी इस वर्ष भी 21 सितंबर से मंच पर 9 दिनों तक भारत माता आरती का आयोजन किया गया, जिसे नवदुर्गा झांकी चल समारोह के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में मंच पर झांकी समिति के आयोजकों के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने नगर के सभी समाज सेवकों का कुमकुम तिलक फूलमालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों के अनुशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्याम ओझा एवं हिंदुत्ववादी संगठनों के बीच सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुराने के इल्जाम के आखिरकार युवक को गवाना पड़ी अपनी जान। मृतक के परिजनों ने रोष में आकर किया नेशनल हाईवे नंबर 3 का चक्का जाम। घटना गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां ग्राम मऊखान के निवासी युवक को विगत दिवस कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस की उदासीनता की वजह समझ नहीं आ रही है, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हीं के गांव के सरपंच और उनके कुछ साथियों ने मिलकर मृतक को पहले तो 2 बार मारपीट का शिकार बनाया, जिसके बाद कल फिर पुनः उन्होंने मारपीट कर दी, जिससे युवक की जान चली गई। साथ ही उसके परिवार के अन्य 4 लोगों के साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। ऐसे में पुलिस की ओर से किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई न किए जाने के विरोध में आज उस मृतक के परिजन एवं गांव के लोगों ने नेशनल हाईवे पर हनुमान चौराहे पर चक्का जाम किया, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन के बाद मृतक के परिजनों को हाईवे से हटाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के पक्ष की ओर से इस हत्याकांड में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। इसके बाद 8 लोगों को नामजद किया गया। समझते पर है कि इतने गंभीर मामले में पुलिस समय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है। कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, शीघ्र कार्रवाई करें।
स्काउट गाइड गुना के छात्रों ने आज पोषण पुनर्वास केंद्र पर पहुंचकर बच्चों के साथ बिताया पूरा दिन। बता दें कि क्राइस्ट स्कूल के स्काउट गाइड के छात्रों ने आज पोषण पुनर्वास केंद्र पहुंचकर दशहरा एवं मोहर्रम का उत्सव उन बच्चों के साथ मनाया। साथ ही उन बच्चों के लिए केक, मिठाइयां एवं फल भी वहां वितरित किए गए। दशहरा और मुहर्रम के उपेक्षित यहाँ पे बच्चों को पार्टियाँ देने का सोचा, तो हमारी क्राइस्ट की स्काउट गाइड दल ने पहले प्रिंसिपल से परमिशन ली कि हम यहाँ पे आज ये सेवा कार्य करने जा रहे हैं। तो हमें प्रिंसिपल से परमिशन लेने के बाद कार्यक्रम अधिकारी पदमराग शर्मा से कहा कि हम यहाँ पे जा रहे हैं और हमने बच्चों को केक, पेटीज और चूड़ा वगैरह का छोटा सा प्रोग्राम रखा है। जिला चिकित्सालय में लगाया गया मल्टी स्पेशलिटी कैंप। कैंप का आयोजन लॉयंस क्लब एवं रेडक्रॉस के तत्वावधान में किया गया। इस कैंप में नेत्र रोग, दंत रोग, हड्डियों संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग आदि का परीक्षण भी किया गया। बता दें कि उक्त कैंप में बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। आज जिला चिकित्सालय गुना में लायंस क्लब के सहयोग से और रेड क्रॉस के सहयोग से हमारे स्पेशलिटी कैंप लगाया गया है। डॉक्टर सुबोध पंडित है, कार्डियोलॉजिस्ट है और अभिषेक राठौर जी है और यहाँ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और दंत रोग विशेषज्ञ और अन्य चिकित्सक भी अपने यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी कैंप में सेवा दे रहे हैं। पर्यावरण बचाओ समिति के स्वयंसेवक एवं समाज सेवकों ने बहुत पहले ही कलेक्टर राजेश जैन से गुहार लगाई थी कि नव दुर्गा एवं मोहर्रम के चलते विसर्जन के लिए अलग से कुंड का निर्माण किया जाए। उसके बाद भी किसी भी तरह का कोई कुंड का निर्माण प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, जिसके बाद माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ ही स्वयंसेवकों ने आज दुनिया नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर वहां पर नदी की साफ सफाई शुरू कर दी। दुनिया नदी बचाओ के कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट कर इस स्वच्छता अभियान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यह बताया। लॉयंस क्लब के सदस्यों ने गुना चिकित्सालय पहुंचकर किया रक्तदान। लॉयंस क्लब गुना द्वारा लॉयंस सेवा सप्ताह का आयोजन दिनांक 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किया जा रहा है। आज इसी तारतम्य में ब्लड बैंक में जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर लॉयंस क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। लॉयंस क्लब गुना सेंचुरी द्वारा 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लॉयंस सर्विस वीक का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज 1 अक्टूबर को हमारे द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिसमें लगभग 14 लॉयंस मेंबर्स आज ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं और सेवा गतिविधियाँ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि कल 2 अक्टूबर को हमारे द्वारा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप रखा है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई। इस युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन आज गुना में इसलिए किया गया ताकि ओबीसी लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। साथ ही इसमें प्रदेश भर के ओबीसी युवा मोर्चा के सदस्यों ने भी शिरकत की। बैठक में ओबीसी के सदस्यों को जोड़कर उन्हें इकट्ठा करना इस संघ का मेन उद्देश्य बताया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा आज यहाँ पे गुना में अखिल
परिवार की ओबीसी महासभा का युवा मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ रखी गई है। इस बैठक में पूरे प्रदेश से जो युवा मोर्चा के हमारे साथी है वो यहाँ पे आए हैं और हम मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर 65% जो ओबीसी समाज है उस 65% ओबीसी समाज को उसके संख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में संवैधानिक हक अधिकार मिले इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाक्य ने बताया कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का है क्योंकि हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान इस तरह से नहीं किया जाता। हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक एवं बड़े माता पिता घर के सदस्यों के साथ ही रहते हैं। यहाँ विधायक ने यह भी बताया कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कभी अकेले में नहीं किया जाता, उनके परिवारों के सदस्यों के साथ ही उनका सम्मान सही मायनों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है। अगर राष्ट्रीय कार्यक्रम होता तो हम वृद्धों का सम्मान करने की जरूरत ही नहीं पड़े, सब अपने माता पिता अपने अपने बच्चे उनको घर पर रखेंगे। ये पश्चिमी संस्कृति के देन है, हमको दोबारा सोचना पड़ेगा कहीं हम गलत दिशा में नहीं जा रहे। तो ये आवश्यक है राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सोच विकसित होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं हो, राष्ट्रीय पहले होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सम्मान कर रहे हैं वृद्धों का, तो उनके लड़कों को उनके बेटों को ये बुलाना चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए कि तुमने तो नौकरी चालू कर दी, तुम्हें इनके पालन पोषण में कितना कष्ट हुआ होगा और इनको तुम रोटी भी नहीं दे सकते, एक कोने में बैठने की जगह भी नहीं दे सकते। ये जो विकसित हुआ है ये विचार, वो अंतर्राष्ट्रीय देन है। ऑटो चालक यूनियन गुना की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण की शिविर का आज किया गया आयोजन, जिसमें ऑटो चालकों को कानूनी एवं विधिक सहायता के लिए प्रेरित भी किया गया। जिन चालकों को कानून के नियम कायदे कानूनों का पता नहीं है उन्हें यहां पर विधिक सहायता भी मुहैया कराई गई। सरकार के जो तमाम कानून है, न्यायालय के जो निर्देश है, इन सारी चीज़ों से हम लोग उनको शिक्षित करना चाहते हैं और जो भी कानून है और एकता कैसे बनाई जाए, उनकी एकता कैसे बरकरार रखी जाए, इस सारी चीज़ों पर हम लोग दो दिन तक इसमें विचार मंथन करेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम भी स्थानीय गोपालपुरा में आयोजित किया गया, जहां पर रामलीला के कलाकारों द्वारा पहले श्री राम का जलूस निकाला गया, साथ ही राम रावण का युद्ध का मंचन भी यहां पर हुआ, जिसके बाद लोगों ने रावण दहन का आनंद लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाक्य, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा, समाज सेवी ओएन शर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र लोम्बा, कलेक्टर राजेश जैन एवं शहर SP अविनाश सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही यहां पर बड़ी संख्या में आमजन ने भी रावण दहन का लुत्फ उठाया। और यहाँ सब्जी सब्जी के लिए इसमें तमाम प्रकार के आज ये मौसम की कत्ल होती है हर दुम में मैदान में बैठे मंडियों से दूर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।